होरी दुर्गे माई हरि करी दे सहाई, हरि जग की पालन हारी रख ले सभा में भैया सभा में भैया लाजे
बड़े बड़े भगती करेंगे सुके मले खाने सुमरेगे मन सुके मले खाने सुमरेगे हो नल मन सुके मले खाने सुमरेगे मन सुके मले खाने सुमरेगे ऋषि राम मुनि प्रताप सुमरेगे
I'm not afraid to die।
पियरे लाल मणि का चमकारा भरे दिया सोरण से हर थाल पूजे होया भारा हो भरे दिया सोरण से थाल सोरे होया भारा हो ये के हर हाथ पात्र है का लही के रथ मेर डारा जो लिखे भेजा सा मान सवालो सारा हो जो हर लिखे भेजा सा मान सवालो सारा हो रे बाली अरे दिया रे पिटारा सारी जिंदगी पैर कराज मेर करनिया होगे सारी जिंदगी पैर कराज मेर करनिया होगे ए छतरापन की मर्यादा का ढेर करनिया होगे सारी जिंदगी पैर कराज मेर करनिया होगे
के बाद अरे लोग दिखावा इन आंखों से नीर लिकाड़ो मत ना खोटी करनी करके पापी अरे और बिगाड़ो मत ना खोटी करनी बराबर कुंती माँ की अरे आबू घड़ो मत ना सती बराबर कुंती माँ की आबू घड़ो मत ना मन थारी आबरो ढकना की अंधेर करनिया होगे सारी जिंदगी पैर कराया फिर फेर करनिया होगे साथियों पहली कली के माध्यम से बताया कि लोग दिखावा इन आंखों से नीर लिकाड़ो मतना और खोटी करनी करके पापी ओट बिगाड़ो मतना मेरा यार मैं ही भूकूंगा चाले पाड़ो मतना और सती बराबर कुंती माँ की आप उघाड़ो मतना मने थारी आबरो ढक राखी अंधेर करनिया होगे और सारी जिंदगी बैर कराज मेर करनिया होगी कम से कम तुम्हें अपनी नहीं तो सती बराबर कुंती माँ की लाज पे उंगली ठाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात में किस तरीके से क्या बताया और साच कहनिया सच्चे मानस अरे कदे डरा ना करते निहत्ते पे वार करा ऐसे वीर कराना करते निहत्ते पे वार करा ऐसे वीर कराना करते अरे अमर रहे का नाम सदा रणधीर मनाना करते माजाएका इस्तरिया आखिर कराना करते माजाएका इस्तरिया कराना करते और कायर पण की बात सामने शेर कड़िया होगे सारी जिंदगी बैर कराया दे मेर करनिया होगे कदर करूं और यो ही गुण मेरे मैं वीरों की कदर करूं और ये गुण मेरे मैं तो मैं खुशी मनानी चाहिए से जाके अपने डेरे में लाड करण का समय निकड़ गया अब के आंसू गेरे में लाड करण का समय निकड़ गया अब के आंसू गेरे में घेरे में तमाम फेर करनिया होगे सारी जिंदगी बैर कराया दिल मेर करनिया होगे सारी जिंदगी बैर कराया दिल मेर करनिया होगे
थारी कायरपन की बात सामने यो सकल जमाना कहेगा। मेरी इन आँखों के आज सामने पर लहू वीर का बहेगा। धोखे से तने वार करा अब के छतरा पन रहेगा। धोखे से तने वार करा अब के छतरा रहेगा। अरे वो छेपन की बात सामने क्या रखनिया हो गए सारी जिंदगी में खोटा होता खरा नहीं अरे क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तलब कोई मरा नहीं। क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तलब कोई मरा नहीं। मर मर के रावण जी में कौन मर मर
खाजी ओ कृष्ण मर ना राधा जी और कंस नहीं शिशुपाल मर तेरे धर्म युधिष्ठिर अर्जुन भीम ना कोई कुड़ती कला आप मरे न ख्याल मरा तू मरने कसोर मचाया कोई आज मरा न काल मरा कसोर मचाया आज मरा न काल मरा अरे दुर्योधन गोपाल मरा ओ तन है पता ना इंद्रप्रस्थ में भी तुम्हें
मेरी बसाई बसती थी, मैं जानू यार कौन जाने जो बात मेरे हिप्पे कसती थी। मन अंधे का अंधा कह के तू मार के ताड़ी हंसती थी। मन अंधे का अंधा कह के मार के ताड़ी हंसती थी। तने दुश्मन जो
खसम तेरे खसम नहीं इन्हें तेरा गुलाम कहे से। लटन सिंह राज बल बीतन बिना लगाम कहे से। किसी को अंधा किसी को तू, किसी को अंधा किसी को तू, क्वारी का जाम कहे से। किसी को अंधा किसी को तू, क्वारी का जाम कहे से। अरे बहुत दिनों से चक्कर में था, आज हाथ लगी मुश्किल में। भूल जाना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली तेरे में। सत्संग में जाके युगाल बजाना ठीक नहीं। और लाइन अच्छी लगे तो फिर ताली होनी चाहिए, क्योंकि मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। Thank you.
लगो छतरा बनवे, आग लगो छतरा बनवे, चौपड़ के बेस तिजोरी भर ले, आग लगो ऐसे तिरपण में, कहे रोशनी वहां सूत्र ना जहां सेवा भाव नहीं बनवे, सेवा भाव नहीं बनवे। दुनिया में न्यारी अरे हुई तपस्या हमने कर्म की, गत दुनिया में न्यारी। हरि तेरे हाथों से मुक्ति पाली, ऋषियों की संगत सारी, मैं ही पापी हुआ राम का मौत भी आके हारी। सतनाम की रहा छूटगी अज होगी सार बिरानी, अरे सतनाम की रहा छूटगी होगी सार बिरानी। अरे अपनो न करो दिहानी, मन बड़े दुख से पाले रिमा, अरे हार गया इसे धीरे से मुझे आचल बीच लुकाले माया, अरे हार गया इसे धीरे से मुझे आचल बीच लुकाले। दुनिया का मेरी घटगी सपुन्याई, मैं परकाजी दुनिया का मेरी घटगी सपुन्याई। हे कौन जन्म की खोटी करनी जो मेरे आके आई, मैं ते उसी पर बैठता हुआ मां जो तैसा सिखाई, मैं ते उसी पर बैठता हुआ मां जो तैसा सिखाई। Go!
रणभूमि में डेरा आंगन खड़ी सके थी अज रणभूमि में डेरा हरे बाणों के सरा सैया पे मेरा रे हो गया रह बसेरा फिर मिलन ना हो ये मात कर प्यारे आखरी मेरा अरे फिर मिलन ना हो ये मात कर नागे आखरी मेरा वही तो हर वीर भरम ले बिचारे हो यो दुर्योधन से छुपते Oh,
और दूसरी बात मैं कैसे बता लिया हो क्यों जाने बूझे पे की किस बात खोड़े हो क्यों जाने बूझे पे की किस बात खोड़े हर मर दो की तो करा दो बिठी के बताई यार की तो दुख दे कर दाई हो दिखे का यार की तो दर्द भी हो दुख दाई हर काम करो जो दुनिया पर हरी बड़ाई बिना मेले मिले ना प्रीत और असनाई हो बिना मेल मिले ना प्रीत और असनाई हो फोड़े हो क्यों जाने मुझे बेटी की किस मत फोड़े क्या बात है मास्टर जी बात में क्या बता दिया हरिया क्या देखी मतना माखी खाओ क्यों राजे सुता के हर गल पे छुरी रे चलाओ हो क्यों राजे सुता के गल पे छुरी रे चलाओ हरि सुदेश ना ने समझाओ तो अच्छा बारे बे हर टीका मेल मिलाओ हो अच्छा बारे फोड़े हो क्यों जाने बूझ पे टीकी किस मत फोड़े हो गुड़ियों का खेल नहीं से हर ग्रास्त बराबर जग में जेल नहीं से कह रामेश्वर थारा हर महारा मेल नहीं से हो कह रामेश्वर थारा
मुझे बेटी की किस मत भो
अपने मरने से पहले मेरी नाड़ काट जा। जो ब्याही ने मारू तो आसमान फाट जा। जो ब्याही ने मारू तो आसमान फाट जा। राजा नल की ढाल मेरे से बीच में लाट जा। जो सती वीर हो सती वीर हो मध जो बन की झाल काट जा। जो सती वीर हो मध जो बन की झाल काट जा। अरे मेरा मदनावत की ढाल मोल बाजा। मदनावत की ढाल मोल बाजा। पटकायो रे का तारी
पठान
सुनावे कथा पड़ी और जैसी सुनी जय केवल सुनावे कथा पड़ी और जैसी सुनी अरे बाते बुनी अरे फेरे युदे बाते बुनी अरे फेरे युदे पंद्रहवें दिन के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है तो दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति अपने मित्र कर्ण को बना दिया। लेकिन जैसे इस बात की सूचना पांडवों के शिविर में श्री कृष्ण जी के पास में पहुंची तो त्रिलोकीनाथ सोच में पड़ गए कि अगर कर्ण सेनापति बनकर के युद्ध भूमि के अंदर आया तो एक ही दिन के युद्ध में पांचों पांडवों को मार सकता है। क्यों? क्योंकि कर्ण के पास में गुरु परशुराम के दिए हुए पांच बाण हैं। जिस योद्धा के ऊपर वो बाण चला दिए वो जीवित नहीं बच पाएगा। कृष्ण जी कुंती के पास में पहुंचे और जाकर के कुंती को समझाया कि अब गंधारी की जीत हो कुंती हार का तेरा वरण बन गया क्योंकि उन कैरों की सेना का अब सेनापति कर्ण बन गया। कल के युद्ध में तेरे पांचों बेटों को मार सकता है कर्ण। तो कुंती पूछने लगी रे कृष्ण जी क्या करूं करो ये कर्ण को जाकर के बताओ कि कर्ण तुम्हारी कोख से जन्मी हुई तुम्हारी संतान है और वो दुर्योधन का साथ छोड़ करके अपने पांच भाइयों में मिले और अगर इस बात पर सहमत ना हो कर्ण तो कर्ण के पास में गुरु परशुराम के दिए हुए पांच बाण हैं उन पांचों बाणों को दान में मांग कर ले आना तो तेरे बेटों की जिंदगी बच सकती है वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। पांच बेटों के प्राण बचाने के लिए कुंती चल दी और चल करके कहा कर्ण के शिविर के नजदीक में पहुंची। दूर से देखा कर्ण को वो पिछली बात याद आई जब होगी त्यार मरण को और छाती में धड़का ला गया दिल रोया देख कर्ण को। कर्ण को देखते ही महारानी कुंती की आंखों में आंसू भराए कि ये बेटा मेरा जन्म मैंने इसे दिया लेकिन मैं ऐसी अभागण मां हूं कि मैं आज तक इसके कोई लाड़ प्यार ना कर पाई और आज आई भी हूं तो अपने स्वार्थ में अपने मतलब से इसके पास में आई हूं। दिल पर पत्थर सा रख करके पहुंची कर्ण के पास में। कर्ण ने बड़े आदर सम्मान से बैठाया और पूछा कि महारानी कुंती आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया तो मैं खुद चल करके तेरे पास में आ जाता। तो कुंती कहने लगती रे कर्ण मैं तेरे पास में इसलिए आई हूं बेटे जिन पांचों पांडवों से लड़ने के लिए तुम कल युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो वो पांच पांडव कोई गैर नहीं वो तेरे दुश्मन नहीं बल्कि तेरे माँ जाए तेरे छोटे भाई हैं। मैं तेरे पास में इसलिए आई हूं मैंने ही तुझे अपनी कोख से जन्मा है। तू दुर्योधन का साथ छोड़ और बेटे अपने पांच भाइयों की तरफ से युद्ध कर। जब कर्ण ने इस बात को सुना सहम दहम खड़े रह गए कि तुम और मेरी माँ तुम मेरी माँ नहीं हो सकती क्योंकि अगर तुम मेरी मां होती तो पांच पांडवों की तरह मेरा भी पालन पोषण कर किया होता तुमने। मतलब बताइए महारानी कुंती किस लिए आई हो? लाख कोशिश की महारानी कुंती ने कर्ण को मनाने की लेकिन कर्ण ने साफ इनकार कर दिया। तो महारानी कुंती ने कहा कि बेटे तेरे पास में तेरे गुरु परशुराम के पांच बाण हैं उन पांचों बाणों को मुझे दान में दे दे। कर्ण ने देर नहीं की
पांचों बाण महारानी कुंती को दान में दे दिए और पांच बाणों को लेकर के महारानी कुंती चली, पर पांच कदम भी नहीं रख पाई। माँ के मन में बेटे के लिए मोह जाग गया। वापस मुड़ी और कहने लगी, रे करण, चाहे तू तू इन पांचों बाणों को वापस ले ले, चाहे तू मेरे भी प्राण ले ले, लेकिन बेटे एक बार मुझे अपने मुख से माँ कह दे, क्योंकि जब से मैं तेरे पास में आई तू मुझे महारानी कुंती, राजमाता कुंती कहकर के पुकार रहा है, मैं तेरे मुख से अपने लिए माँ सुनना चाहती हूँ। तो कर्ण ने कह दिया कि मैं तुझे कैसे माँ कह दूं? बताया राज कि मैं सब तरिया लाचार हुई, मेरा दिल रोवे जन क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान कर्ण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। कि मैं कैसे माँ कह दूं, मेरा मन विश्वास नहीं करता। तो कुंती बताती है कि सुन बेटे, जब मैं कुआरी थी एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था, उस मंत्र पे विश्वास करया ना वो सूरज पे जमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू क्वारी ने जाया था, और ऐसा कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। करण को यकीन दिला दिया, विश्वास हुआ करण को भी वास्तव में महारानी कुंती की बातों में सच्चाई है। कहते कि मैं तुझे माँ तो कह सकता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। किस तरह की शर्त आज करण वाली महारानी कुंती के सामने लगा रहे हैं, सुनेंगे ये रागनी दोनों कलाकारों के माध्यम से कैसे बोला। मधुर भाई बिखेरी मैं उसे समुंदरे मानू दिया कि तूने इस बात का भेद मुझे तो बता दिया, लेकिन एक वचन दीजिए, इस बात का भेद आप जाकर के किससे नहीं कहोगे, मेरे पांचों भाइयों को नहीं बताओगे, वरना अनर्थ हो जाएगा। कैसे कहते भला, इतनी गहरी बन जा कि समुद्र की गहराई तक भी कोई पहुंच जाए, लेकिन तेरे मन की गहराई तक कोई ना पहुंच पाए। अगर तुम मुझे ये वचन दो तो मैं तुम्हें मां कह सकता हूं। और कैसे कहते भला, मैं उसे समुंदरे मानू दिखे जिसमें हो गहराई। अरे धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे। पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जाएगा दिन की बदले है कि रात दिखे। राजपाट और बहु बेटों से तू धो बैठेगी हाथ दिखे, धो बैठेगी हाथ दिखे। Oh,
इस बात का भेद मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अपने भाइयों के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं होने देता, इस तरह की नौबत नहीं आने देता। और दूसरी गली के माध्यम से कर्णबली महारानी कुंती से क्या कहते भला, अरे पहले खुल जा भेद अगरियो, पहले खुल जा भेद अगरियो, जाल रचाने ना देता जो तेरे साल बड़ों में काटे, कष्ट उठाने ना देता मैं अपने घर की लाज बहु दरबार में जाने ना देता, चाहे इंदर करता चाहे इंदर करता, जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। ओ इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की भर के छाती आई, धर्म युधिष्ठिर सहमत गई है, कर्ण तुम्हारा भाई रहा, मेरे छोटे भाई हैं तो कह दिया कि पहले खुल जा भेद अगर यो जान रचाने ना देता, जो तेरे साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता, मैं अपने घर की लाज बहु दरबार में जाने ना देता, चाहे वो इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई, रो पड़े कि बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई, अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपने भाइयों को 12-13 साल बनों में धक्के खाने के लिए नहीं जाने देता, अगर मुझे मालूम होता पांडव मेरे भाई हैं तो जिस तरह से द्रौपदी को खींचकर खींचता घसीटता हुआ वो दुशासन सभा के बीच में लेकर के आया था, दुर्योधन और दुशासन की तो हिम्मत क्या, अगर देवताओं का राजा इंद्र भी आकर द्रौपदी के चीर को छूने की भी कोशिश करता तो इस कर्णबलि के होते वो भी संभव नहीं था। पर तूने बहुत देर कर दी, अब मेरे भाइयों को इस बारे में मत बता देना कि कर्ण उनका बड़ा भाई है, क्योंकि 12-13 साल बड़ों में धक्के खाने के बाद आज वो अपनी मंजिल के नजदीक खड़े हैं और उन्हें यह पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई है तो मेरे सामने मुझसे युद्ध नहीं करेंगे, वो क्या कर बैठेंगे, तीसरी गली में कैसे बताते बोला। टोल के मंजिल तट आए हो, टोल के मंजिल तट आए, सब टुले डुलाए रह जाएंगे, जो हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे, पहलवानों के बाण जोर पे तुले तुलाए रह जाएंगे, तेरी बहू के केस जगत मेरी खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे, तेरी भी क्या मेरी भी हो, तेरी भी क्या मेरी भी हो, इसमें मार भलाई, धर्म युधिष्ठिर सहमत गए, कर्ण तुम्हारा भाई रहा, कर्ण तुम्हारा भाई। खुल जाएगा तो नेम और धर्म उठ जाएंगे, तेरे एक बोल में पता नहीं किस किस के प्राण टूट जाएंगे, मुझसे पहले भी भीम बलि के
तन से प्राण छूट जाएंगे, कुछ मरे कटारी मारे और कुछ विष के घूंट घूंट जाएंगे, विष के घूंट घूंट जाएंगे। वो पूरा मरण करण खातर, हाँ पूरा मरण करण खातर, आस लगाई घर में दुष्टर सहमत गई है। सुनिए आपने, दो नीरज भाटी से और दो जयवीर भाटी से इस रागनी के अंदर पांच कली कवि ने लिखी। अगर आदेश हो तो पांचवी को दोनों एक साथ में गा दें आपके बीच में। क्या कहते भला, कैसे क्या लिखा? दुनियादारी के झंझट में, दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा, इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा, इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा, फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस कलवट ऊट बैठ जागा, कलवट ऊट बैठ जागा। जैसा वो दिया भी
सुन ले, तू रींझती हुई कटाई करती डोलेगी, लेकिन जो तेने बीज बो दिया वो तुझसे कटने वाला नहीं है। इस तरह से दूसरी बात क्या बता दिया भला, मारे बोली के तीर सभा में बुलाई गई, तारने को तेरा चीर नंगी जांग दिखाई जांगी, देखेंगे सब नगन शरीर नंगी जांग दिखाई जांगी, देखेंगे सब नगन शरीर कोई मन माने पाग, मेरा चीर के तार तेरी खाक में मिला दूं पाग, हंसनी न मतना छेड़े रे चुपका हो जगाड़े काग, हंसनी न मतना छेड़े चुपका हो जगाड़े काग, हो मेरे हुयेरी जिगर में घाव, मेरे हुयेरी जिगर
देखा कौन कौन खेले किसकी हुई जीत हार, जुए में हराए किसने रे किसको था मेरा अधिकार, जुए में हराए किसने किसको रो कहे गौरी शंकर लाल, कहे गौरी शंकर लाल, ताल सुर में पीरू करे कविताई, तू दिल की कर पहचान, ध्यान से नहीं रे आके बनवाई, तू दिल की कर पहचान। धन्यवाद। अरे ओ मेना मेरा टिले बंदे, अरे ओ मेना मेरा टिले बंदे, छोड़ के गुमान हो आवेगा बुलावा कोई सोच ले नदान, सोच ले नदान।
पाल को रहना कविता के सुख पाल को रहना कविता सोच ले नाम रट ले बंदे ओ मैं नाम रट ले बंदे छोड़ के बुलावा सोच ले नदान सोच ले नदान